हमारा ईमान है कि अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार भी हमें बचाता है। हमें मूवमेंट्स को लिमिट करने का कहा जा रहा है, घरों से ना निकलने का जो है वो वार्निंग दी जा रही है। पाकिस्तान को इस वक्त एक साइक्लोन का सामना है, बहुत खतरात हैं सिवियर डैमेजेस के और जान के हवाले से भी हम बहुत फ़िक्रमंद हैं कि किस तरीके से लोगों की जानों को बचाया जाए। सर, आप जानते हैं कि सिंध हुकूमत कल से बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आई, परसों से वार्निंग्स तो दो तीन दिन से थी, लेकिन कल सीएम सिंध, उनके कैबिनेट के अराकीन, ऑनरेबल एमपीएस, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, दे हैव बीन आउट इन देयर कंस्टिट्यूएंसीज वेयर एवर द साइक्लोन इज गोइंग टू गॉड फॉरबिड हिट। सर, तीन इलाके, तीन डिस्ट्रिक्ट्स तो इस वक्त बहुत हाई अलर्ट पे हैं, जिसमें सुजावल सबसे ज़्यादा खतरे का सामना जो है उसको है। सर, बदीन है, ठट्ठा है, कराची के अंदर सर 100 मिलीमीटर रेन इज़ एक्सपेक्टेड, गॉड फॉरबिड। इसके अलावा सर विंड्स जो हैं वो 70 to 100 किलोमीटर्स की रफ्तार से विंड्स आर एक्सपेक्टेड। कराची शहर में बिल बोर्ड्स हटाने के अहकाम भी जारी किए गए हैं, उस पर भी काम हो रहा है। और बहुत ज़्यादा वार्निंग्स जो हैं वो दी जा रही हैं, और वो वार्निंग्स किसी को डराने के लिए नहीं है सर, बट फैक्चुअल जो इस वक्त सिचुएशन है, बिकॉज कल जो था उस साइक्लोन का ख़तरा वो एक्सट्रीमली सिवियर था, आज भी सर वो वेरी सिवियर है और कल सिवियर। ये तीन दिन ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, 14th and 15th आर द डेज दैट वी ऑल हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट। हमें मूवमेंट्स को लिमिट करने का कहा जा रहा है, घरों से ना निकलने का जो है वो वार्निंग दी जा रही है। तो आई थिंक सर, आपके तवस्सुत से, इस ऐवान के तवस्सुत से ये इंफॉर्मेशन ज़रूर जानी चाहिए कि लोग जो हैं इस इन प्रिकॉशंस को सीरियसली लें, इन्हें एक्सरसाइज करें, एंड अल्लाह ताला ने हमें बहुत दफ़ा पहले बचाया है और अल्लाह ताला का हम पर करम होगा। हमारा ईमान है कि अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार भी हमें बचाता है, लेकिन हमें अपनी भी तदाबीर करने की ज़रूरत है, हमें इंटेलिजेंटली उन तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है। इट विल नॉट बी गुड कि अगर हम आज सोचें कि जी ये वार्निंग कोई बड़ी बात नहीं है, सो वील ऑल हैव टू टेक दोज मेजर्स। गवर्नमेंट सर सिर्फ वार्न करती हैं, लेकिन मुझे कल ये इंफॉर्मेशन मिली है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध सिर्फ वार्न नहीं कर रही, वो एफर्ट्स ले रही है इवैक्यूएशन के, और 80,000 से लाख बंदा जो जहाँ पे ये हिट करेगा वहाँ से इवैक्यूएट कराए गए हैं, और वो प्रोसेस जारी है। तो सर, मैं चाहूँगी कि इस ऐवान में दुआ भी कराई जाए कि हमें अल्लाह ताला बचाए इस बड़ी आफत से, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को बचाए, किसी भी मुल्क और किसी भी कौम के लिए हम नहीं चाहेंगे, पर हमें अपने मुल्क को, अपने लोगों को इससे बचाने के लिए दुआ भी करनी चाहिए और तदाबीर करनी चाहिए, और जो ऐलान है, जो वार्निंग्स हैं, उस पर सख्ती से अमल भी करना चाहिए। थैंक यू सर।